जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण है। मैं बधाई देता हूँ पूरे हमारे राजपूत समाज को, छत्तीस बिरादरी को। और दो तीन बातें जो हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, और जो यहाँ से पहले विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आ रहे हैं। इसी चौक के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी दोनों आए थे और दो तीन मुख्य मांग थी इस इलाके की, और जो कि स्वयं घोषणा करके गए थे। एक तो जो सीएलयू जोन हमारा उस एरिया का हुआ था, तो मैं मुख्यमंत्री जी, खासकर ओम प्रकाश धनखड़ जी को वो वादा याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कहा था कि हम इसको एनओसी जोन कर देंगे। एक तो वो एनओसी जोन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, वो जरूर कराएं। दूसरा, इसी चौक के ऊपर जो करणी सेना के हमारे युवाओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी की, ओम प्रकाश धनखड़ जी की ये घोषणा थी कि हम उनके सारे केस वापस लेंगे। आज तक वो केस वापस नहीं लेंगे। तीसरा, जो एक हमारे टाइम में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने राजपूत सभा को जमीन अलॉट कराई, और राजपूत धर्मशाला जो भव्य धर्मशाला यहाँ बन रही है, आज तक 8 साल का समय बीत चुका है, जो आज ये एक प्रेम दिखा रहे हैं। 8 साल तक उस धर्मशाला में एक पैसे का भी मेरे हिसाब से बीजेपी की तरफ से किसी का योगदान नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम वो आ रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए जो हमारी राजपूत धर्मशाला है उसके लिए देखी जाए। चौथा, जो हमारा मेरा मुख्य मांग भी है और इलाके के लोगों की मांग है, और वहाँ पे आए दिन मर्डर होता, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुलाना चौक का जो अंडरपास का मामला है, मैंने विधानसभा में उठाया है, मुझे उम्मीद है कि वो अंडरपास की घोषणा भी करके जाएं। और मैं खासकर ओम प्रकाश धनखड़ जी को कहना चाहूँगा कि वही राजपूतों का गांव है और वही इलाका है, और वो जो आपको दोनों बार एक तरफा जिताया, लवारी गांव इसी देश का, इसी प्रदेश का एक हिस्सा है। आज तक ये जो नेता लोग, हमारे बीजेपी के नेता लोग भी, खासकर इस इलाके के, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि कम से कम राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो हर चीज ठीक है, पर लवारी गांव में हमारे अगर किसी परिवार में, हमारे परिवार में को डेथ भी हो जाती है, उसको भी ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके जाना पड़ता है। और ये हालात आज लहारी गांव के नहीं, मैं कहता हूँ बादली हलके के काफी ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हुई, खेतियां 3 साल से लगातार खराब हो रही है, उसके साथ साथ किसान खेती के साथ साथ उनके घर भी पानी के कारण जो जल भरा हुआ पूरे इलाके में, गांव के गांव में मकानों में त्रेड़ आ गई, रोडों की हालात आज बद से बदतर है। तो मुझे उम्मीद है कि ओम प्रकाश जी बदला बदली की राजनीति छोड़ के और उस इलाके की तरफ, गांव की तरफ अवश्य ध्यान देंगे, और खासकर जिस इलाके में आप आ रहे हैं वहाँ अंडरपास, चाहे वो कुलाना का अंडरपास है, चाहे दादनपुर का फुटब्रिज है जो स्कूल के आए दिन वहाँ एक्सीडेंट हो रहे, डेथ हो रही है, चाहे वो सिलानी का अंडरपास है, उसकी भी आज वो घोषणा करके जाए। और मुझे उम्मीद, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, शायद हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो बादली के साथ सोतले व्यवहार कर ही रहे हैं, क्योंकि जब से वो हारे हैं उन्होंने बादली के विकास में रोड़ा बनने के अलावा बादली क्षेत्र के लोगों की कोई सुध नहीं ली। तो मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं आज हमारे बादली क्षेत्र को, कल आप कोई ना कोई विशेष पैकेज दे के जाएं, मैं आपका स्वागत करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा, और जो आज मेरे बादली हल्के में कल आप आ रहे हो, मैं आपका दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये पूर्ण रूप से उम्मीद है कि बादली क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में नई पंचायत जो बनी है,
पिछले काफी समय से 2-2.5 साल से 3 साल से विकास रुका हुआ है, तो आप प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1 करोड़ रुपए की आप राशि दे के गाँव में विकास कार्य को गति देने का काम करें।